भूटान पूर्वी हिमालय के दक्षिणी ढलान पर स्थित देश, जो उत्तर में तिब्बत, भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल व असम तथा पूर्व में भारत के अरुणाचल से घिरा हुआ है। भूटान का 98.8% भूभाग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। प्रारंभिक भूटान के इतिहास का अधिकांश भाग अस्पष्ट है, क्योंकि 1827 में राजधानी पुनाखा में आग लग गई थी। पत्थर के औजार, हथियार, हाथी व बड़े पत्थर की संरचनाओं के अवशेष सिद्ध करते हैं कि भूटान 2000 ईसा पूर्व बसा था। 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रसार भूटान में हुआ। 17वीं शताब्दी तक भूटान छोटी छोटी युद्धरत जागीरों का एक समूह था। तिब्बत से निर्वासित सैन्य नेता नागवांग नामग्याल ने इस क्षेत्र को एकीकृत किया। 1627 में भूटान में पुर्तगाली यात्री जे सुइट्स व कैबरल पहुँचे। ये दोनों तिब्बत के रास्ते से भूटान पहुँचे थे। 1651 में अंगवांग नामग्याल का निधन हो गया। उनके निधन को 54 वर्षों तक गुप्त रखा गया। 1711 में भूटान के राजा ने कूच बिहार के, जो वर्तमान समय में भारत के पश्चिम बंगाल का एक जिला है, पर आक्रमण कर दिया। कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कुछ समय बाद 1714 में भूटान पर तिब्बतियों का आक्रमण भी हुआ। 1772 में कोच बिहार व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हुई। 1774 में कोच बिहार पर हमला किया, दोनों के बीच संधि हुई। भूटान ने कोच बिहार के कब्जे वाले क्षेत्र खाली कर दिए। 1864 से 1865 तक भूटान व ब्रिटिश इंडिया के बीच दुआर युद्ध हुआ। भूटान इस युद्ध में पराजित हो गया। ब्रिटिश भारत व भूटान के बीच सिंचुला की संधि हुई। इस संधि से डुआर्स क्षेत्र ब्रिटिश भारत को मिल गया। 1870 में भूटान में गृह युद्ध हुआ और ट्रोंगसा के राजा ने 1885 में पूरे भूटान पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और 1907 में उगियन वांगचुक को सर्वसम्मत से वंशानुगत राजा स्वीकार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने भी उनको भूटान के राजा के रूप में मान्यता दे दी। 1910 में भूटान व ब्रिटिश सरकार के मध्य पुनाखा की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार भूटान के विदेशी मामलों पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो गया। भूटान ब्रिटिश भारत की एक रियासत बन गई। 8 अगस्त 1949 को भारत व भूटान के बीच संधि हुई। इस संधि के द्वारा भूटान के विदेशी मामलों का नियंत्रण भारत सरकार के हाथों में आ गया। 1953 में राजा जिग्मे दोर्जी वांगचुक ने भूटान में लोकतंत्र का प्रसार किया। 130 सदस्य वाली नेशनल असेंबली की स्थापना की। 1965 में रॉयल सलाहकार परिषद की स्थापना हुई। 1968 में पहली बार मंत्रिमंडल की स्थापना हुई। 1971 में भूटान संयुक्त राष्ट्र संघ में पर्यवेक्षक देश के रूप में शामिल हुआ। जुलाई 1972 में जिग्मे दोर्जी वांगचुक का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद 16 वर्ष की आयु में जिग्मे वांगचुक भूटान के राजा बने। 1988 में भूटान में पहली बार जनगणना हुई। भूटान पूर्ण राजतंत्र से संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित हो गया। नेशनल असेंबली 2/3 बहुमत से राजा को ऊपर महाभियोग भी चला सकती है। 1999 में भूटान सरकार ने टेलीविज़न और इंटरनेट पर प्रतिबंध हटा दिया। भूटान टेलीविज़न की शुरुआत हुई। 2005 में भूटान का नया संविधान लागू हुआ। 2008 में पहली बार संसदीय चुनाव हुए। 6 नवंबर 2008 को 28 वर्ष की उम्र में जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक भूटान के राजा बने। भूटान की अर्थव्यवस्था में कृषि, वानिकी, पर्यटन व भारत की पन बिजली की बिक्री पर आधारित है। यहाँ 55.4% आबादी कृषि पर आधारित है। यहाँ की प्रति व्यक्ति आय 2420 अमेरिकी डॉलर है। भूटान में औद्योगीकरण की अभी शुरुआती चरण में है। 2021 में भूटान की जनसंख्या 7,70,486 है। 21 में भूटान की जनसंख्या 7,70,486 है। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 1,070 महिलाएं हैं। भूटान में साक्षरता 66% है। थिम्पू भूटान का सबसे बड़ा शहर है या राजधानी भी है। भूटान में 10 जिले हैं। भूटान में 84.3% बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। 12% हिंदू रहते हैं। भूटान का राजधर्म वज्रयान बौद्ध धर्म है। भूटान